YouTube चैनल तो अच्छा है ना, अट्रैक्टिव बनाने के लिए सबसे बड़ा हाथ किसका होता है? ये बात तुमको भी पता है और मेरे को भी पता है। एक तो है हमारा लोगो और एक है बैनर। आज मैं सिखाने वाला हाउ टू मेक बैनर लाइक आरएस के प्लेस। ये बैनर बनाने में इतना इजी होने वाला है, देखने में इतना अट्रैक्टिव। ऐसा बैनर को कौन बनाना नहीं चाहेगा। ये बैनर बनाने के बाद में तुम्हारा चैनल का चांद चांद लगने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने 200 सब्सक्राइबर इतना जल्दी करा दिया यार, थैंक यू सो मच। और 1K सब्सक्राइबर का गोल है, तो जल्दी जल्दी करना है तो सब्सक्राइब कर दो यार। इस बैनर में यूज हुआ सभी मटेरियल तुम लोगों को मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर में मिलेगा, वो डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तुम लोगों को पिक्सार ऐप में आने के बाद में ब्लैक स्किल ले लेना है, उसके बाद में क्रोप में क्लिक करना है, इसके बाद में तुम लोगों को यूट्यूब का साइज सिलेक्ट कर लेना है। इतना होने के बाद में तुम लोगों को ये बैनर वाला फोटो को इधर पेस्ट कर देना है, इसका साइज बराबर कर देना है। इतना होने के बाद इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है, उसके बाद में तुम लोगों को टेक्स्ट में क्लिक करना है, नीचे दिख रहा होगा उसका ऑप्शन, उधर तुम्हारा नाम डाल देना है। अच्छे से नाम डालने के बाद में तुम लोगों को एक फॉन्ट सिलेक्ट करना है, जिसको तुम्हारा फेवरेट हो जो भी। मेरा फेवरेट तो ये फॉन्ट है, इसीलिए मैं ये रख रहा हूँ। इतना करने के बाद में तुम लोगों को कलर में क्लिक करना होगा, और कलर में क्लिक करने के बाद में तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है और तुम्हारा लोगो का थीम कैसा है, उसके अनुसार तुम लोगों को कलर में क्लिक करना होगा। कलर में करने के बाद में तुम लोगों को स्ट्रोक थोड़ा सा ब्लैक कलर का दे देना है। स्ट्रोक देने के बाद में तुम लोगों को शेडो में जाना है, शेडो में जाने के बाद में तुम लोगों को ये ब्लर एंड ऑपेसिटी फुल कर देना है। इतना होने के बाद में तुम्हारा टेक्स्ट का कलर जो भी है उसको सिलेक्ट कर देना है। करने के बाद में तुम लोगों को पोजीशन में 0-0 कर देना है। तो इतना करने के बाद में तुम लोगों को फिर से फोटो ऐड कर देना है, और ये येलो कलर का है, तुम लोगों का GFX पैक दिया होगा, उसको इधर बड़ा कर देना है ठीक से। दो काम लगेगा इसको, हमको इधर जाना है और इसको पीछे लग देना है। हमारा पीछे की तरफ लग देने के बाद में तुम लोगों को फिर से ये फोटो को ऐड करना है दोबारा से ऐड करने के बाद में तुम लोगों को आगे के साइड ले जाना है, उसको भी पीछे के साइड में डाल देना है ठीक से। उसको पीछे के साइड में रख देने के बाद में तुमको सिंपली वो फोटो है पीछे का बैकग्राउंड का फोटो, उसके थोड़ा सा नीचे कर देना है, उसको इकट्ठा कर देना है, क्योंकि तुम्हारा बैकग्राउंड दिख जाए। तो ब्लैक बैकग्राउंड दिखने के बाद में तुम्हारा ये बैनर रेडी है, तो सेव कर लो। वीडियो को एंड करने से पहले तुम लोगों को एक बॉट के बारे में बताना चाहता हूँ, उसका नाम है एडिटर। वो तुम लोगों को सब कुछ हेल्प कर सकता है, और फोटो जनरेट के साथ में तुम लोगों को एडिटिंग टिप्स भी दे सकता है, तुम लोगों को कंटेंट आइडिया भी प्रोवाइड कर सकता है वो बॉट। तो उसका डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक भी मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना। तो आज का वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो तुम लोगों को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था, बाय बाय, सायोनारा।